नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं एनफोर न्यूज भारत। आज हजारीबाग में सुबह से बारिश हो रही है, कह सकते हैं काफी दिनों बाद सुबह से बारिश का माहौल बना हुआ है, मौसम बना हुआ है, अभी भी बादल पूरा किया हुआ है, धीमी धीमी बारिश हो रही है। और इतने बारिश में ही आज हम लोग उपस्थित हैं हजारीबाग के रसूलीगंज चौक में। आप देख सकते हैं इस तरफ ये बड़ा सा गड्ढा है और ये रसूलीगंज चौक है। ये जो रास्ता है जो आप इधर सीधा देख सकते हैं, ये रास्ता जाता है बड़कागांव रोड, और वो जो रास्ता है जो उधर जाता है वो जाता है नारसिंह स्थान रोड, और इधर ये हजारीबाग टाउन की तरफ ले जाती है। वो जो उधर जो रास्ता जाती है वो हजारीबाग टाउन की तरफ ये ले जाएगी आपको। और ये जो बीच जो चौक कह सकते हैं, ये चौक है, इस चौक में आप रास्ते का हालत देख सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा है, कार्स यहाँ पे कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, बिल्कुल यही रास्ते से होते हैं। एनटीपीसी की कई गाड़ियां, कई ट्रक ट्रेलर सब इसी यही रास्ते से जाते हैं, कार भी जाते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स भी जाते हैं, सब इसी से जाते हैं। और उसके बावजूद इस मेन रोड पर अगर ये गड्ढा है तो फिर काफी समस्याजनक बात है। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक बात और बताना चाहूंगी कि यहीं पे सामने चुंगी वसूली होती है, कह सकते जो टैक्स लगता है ना, बिजनेस सारी जो बिजनेस क्लास गाड़ियों से जो टैक्स लगती है, ट्रक उसमें आते हैं, ट्रेलर आते हैं, और जितने भी गाड़ी जो बिजनेस पर्पज से यूज होते हैं उन सबसे चुंगी वसूली की जाती है। बावजूद उसके यहाँ पे अगर इतना बड़ा गड्ढा है तो ये काफी कह सकते हैं नगर निगम के द्वारा चुंगी वसूली का काम किया जाता है, और उसके बाद भी चौक चौराहा पे अगर रोड खराब है तो ये काफी समस्याजनक बात है। मैं आपको दिखा दूं, यहीं पे चुंगी वसूली का काम किया जाता है, कई लोग यहाँ पे उसके लिए हायर किए गए हैं और दिन रात बैठते हैं वो यहाँ पे। पीएल सरोज के द्वारा ये किया जाता है, ये इन लोगों को हायर किया गया है, और उसके बाद भी यहाँ पे आगे भी एक बहुत बड़ा गड्ढा है, लेकिन फिर भी वो ठीक है, वो टाउन की तरफ नहीं जाता है, वो अगर इग्नोर हो रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो टाउन की तरफ जाता है, जो बीचों बीच रोड है और उसमें भी इतना बड़ा गड्ढा है, तो ये बहुत समस्याजनक बात है। आगे जो रोड जाती है सिरसी की तरफ, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आगे जो रोड जाती है सिरसी की तरफ, वहां पे भी एक बहुत बड़ा गड्ढा है और वो रेलवे स्टेशन की तरफ भी आपको कनेक्ट करेगी, आपको यहीं से दिख जाएगी जहां पे वो बाइक खड़ी है, वहीं पे आपको गड्ढा दिखेगा। देखिए यहाँ पे भी, चाहे ये नगर निगम के द्वारा चुंगी वसूली का टैक्स किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो वार्ड परिषद होते हैं, विधायक होते हैं, किसी का नजर इन सब रोडों पे नहीं जाता है, और यहाँ से रेगुलर गाड़ियों का आवागमन लगा रहता है। देखिए आप अभी देख सकते हैं ट्रैक्टर ही आ रहा है, तो परेशानी होती है, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा बनते हैं इससे। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ जो लेते हैं टैक्स, जो चुंगी वसूली करते हैं उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों यहाँ पे रोड आखिर क्यों नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं बस भी अभी आ रही है और लगातार यहाँ पे गाड़ियों का आवागमन बना रहता है, क्योंकि ये हजारीबाग बड़कागांव से कनेक्ट करती है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे बसेस और ट्रैक्टर ये सारी चीजें आती जाती रहती है। आप लोग बताएंगे भैया कि आप लोग नगर निगम के द्वारा अगर यहाँ पे बैठे हैं तो ये चुंगी वसूली करके अभी तक इस रोड पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया है, इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते, अब ये नगर निगम ही समझे क्या करना उसको। नगर निगम को आप लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी बड़ी गड्ढा है? इतना पब्लिक जा रहा है, सब दिख रहा है, हम लोग क्या बोल सकते इसमें? मतलब कि अगर आप लोग टैक्स अगर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ आती है बिजनेस के पर्पस, निगम कंपनी लेती है, हम लोग सुनिए सुनिए, तो आप ही लोग ना, आप ही लोग के थ्रू लेती है ना, वो लेने का काम तो आप ही लोग करते हैं। अगर यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ आती जाती है उन लोगों को सुविधा ही नहीं मिल रही है, तो फिर टैक्स किस चीज का? अब कोई इसमें ऑब्जेक्शन कर भी नहीं किया है, कहा है जैसे है बस वैसे है, उसमें क्या पर गड्ढा भराया है, आता है नगर निगम गड्ढा भर के चला जाता है। इससे पहले कब भराया था गड्ढा? पहले अप्रैल में भराया था, वो रामनवमी का समय में ना, रामनवमी का समय में पीछे भी भर ले, लाख भर के लिए है ना, और रामनवमी का बाद भी आ रही भरा था। आप लोगों का काम क्या रहता है? सिर्फ चुंगी वसूली करना, आसपास के एरिया में जो समस्या है वो सारी चीजों को नहीं बताते आप? हम लोग का उसमें बोले, हम लोग का जो पेमेंट है, हम लोग को पेमेंट के लिए रखा गया है, उसको जानना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
इन लोग कहना है कि जो ये लोग टैक्स लेते हैं बस इन लोगों का काम इतना ही है, आसपास के एरिया में क्या समस्याएं हैं ये चीज इन लोगों को बताने का काम नहीं है। तो ये लोग बस जो बिजनेस क्लास गाड़ियां आती जाती है, जो बिजनेस के पर्पज से आती जाती है, उन गाड़ियों से ये लोग चुंगी वसूली करते हैं और बस इनका काम यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन जो आम जनता को जो समस्या होती है, हालांकि आम जनता सबके सामने आकर के सवाल नहीं उठा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को समस्या नहीं होती है। और उसके बावजूद भी अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हजारीबाग और बड़का गाँव से जो रोड कनेक्ट करती है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, तो ये काफी समस्याजनक बात है। मैं सरकार और नगर निगम से यही दरख्वास्त करूंगी कि इन सारे रोडों पे जो जिससे डेली आवागमन जिसमें रहता है चालू रहता है उस पर ध्यान दिया जाए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे N4 न्यूज़ भारत।